से हमने देखा हुआ है कि हम जब भी किसी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उसका जो ऐड होता है वो हमें सभी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन पे दिखने लगता है। फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी एक्टिविटीज होता है वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और हमारा डाटा हैक होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप एनोनिमसली इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे। उससे पहले आप रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला है टॉर ब्राउजर। इसका मतलब होता है द ओनियन राउटर। मल्टीपल एनक्रिप्टेड लेयर को यूज करके आपके प्राइवेसी को सेफ रखता है। आप इसे आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। पहले आप ओरबोट को ओपन करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसे स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ऐप्स पे क्लिक करके जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप सेफली किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप VPN यूज करके भी इंटरनेट सेफली ब्राउज कर सकते हैं। ये आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी देता है, जिसके मदद से आप एनोनिमसली इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इंस्टॉल किया है बेटरनेट VPN। आप प्ले स्टोर से किसी भी फ्री VPN को इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जब स्टार्ट हो जाता है तो स्टेटस बार पे एक की का आइकॉन आ जाता है। फ्रेंड्स, VPN यूज करने का फायदा ये है कि आईपी एड्रेस और लोकेशन चेंज हो जाता है, जिससे कोई भी आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता। पॉपअप एड्स शो नहीं होते, पर्सनल डेटा हैकर से सेव रहते हैं और आप किसी भी पब्लिक वाईफाई को सिक्योरली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात आप याद रखें कि इनकॉग्निटो मोड यूज करने से बस हमारी एक्टिविटीज ब्राउजिंग हिस्ट्री पे शो नहीं होते और हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।